काम सारा सिपाही उगा पड़ गई हमारी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियंका सर्पमित्र में। और आज का जो रेस्क्यू कॉल है, गगहा थाने के पास रेस्क्यू देखने को मिला है। और ये जो जो राधिका स्कूल है उसके पीछे ही, और ये जो सर दिख रहे हैं ये हमारे प्रशासन के हैं, पुलिस प्रशासन विभाग से है। तो इन्होंने, सर ने ही हमें कॉल किया है। तो मौके पे जैसे ही सूचना मिली हम लोग उस लोकेशन पे आ चुके हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन सा सांप है और किस कंडीशन में है, किस प्रजाति का है। सारी जानकारी आप सभी को देने के बाद सरलतापूर्वक उसको रेस्क्यू किया जाएगा। रेस्क्यू करने के बाद उसको सुरक्षित ले जाके जंगल में छोड़ दिया जाएगा पुनर्वास के लिए। तो चलिए सर, सांप कहाँ देखे थे अपने, सांप को दिखा दीजिए। ये है कोबरा। तो देखिए दोस्तों, ये एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा प्रजाति का सांप है, जिसको हिंदी में भारतीय नाग बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो इस बेजुबान को अपन लोग सुरक्षित बाहर निकालते हैं, और इस बेजुबान को सुरक्षित बाहर निकालते हैं और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो चलिए मैम, रेस्क्यू के लिए आप रेडी होइए। ईंटों को हटाते हैं, इस ईंट के अंदर वो सांप छिपा हुआ है। तो खतरा तो काफी बड़ा है हमारे लिए। देखो रही है उधर। तो देखिए दोस्तों, वाकई ये काफी बड़ा सा इसका एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। और ठंड का सीजन है, ठंड के सीजन में ये काफी ज्यादा एक्टिव नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। गर्मी रहते थोड़ा चुप हो जाएंगे। तो चलिए अब इस सांप के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं। और काफी सरलतापूर्वक मैम ने इस सांप को बहुत ही आसानी है, बहुत इजीली तरीके से इसको रेस्क्यू कर लिया, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये जो सांप है दोस्तों, एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा प्रजाति का सांप है, जिसको हिंदी में भारतीय नाग के नाम से जानते हैं और हमारी लोकल लैंग्वेज में गेहूं है। और ये काफी जहरीला होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सांप है अगर ये किसी व्यक्ति को काट ले तो 40 से 50 मिनट के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर इलाज ना मिले तो। कभी भी गलती नहीं करना है आप लोगों को। ऐसा सांप दिखता है तो डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है आप उस पर कॉल करें, और मारने का प्रयास ना करें, छेड़छाड़ भी बिल्कुल ना करें। और हमारी टीम आएगी, उसको रेस्क्यू करेगी। रेस्क्यू करने के बाद सुरक्षित इसको इसके अनुकूलित वातावरण में ले जाके छोड़ दीजिएगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। हमारा काम कैसा लगता है प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन मैम के लिए, जो कि कहीं ना कहीं एक सांप को देख के अच्छे अच्छे लोगों के हालत खराब हो जाते हैं, वहाँ पर एक निडर हमारी भारत की एक लड़की है, वो जो सांपों को बहुत ही आसानी से और सरलतापूर्वक रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगलों को छोड़ती है। प्रकृति और नेचर के लिए एक छोटा सा कदम इन्होंने बढ़ाया है। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, इन मैम को सपोर्ट करिएगा, प्रियंका सर्पमित्र चैनल को फुल सपोर्ट करिए, आशीर्वाद दीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए अब करते हैं इस बेजुबान को सुरक्षित एक डब्बे में पैक, एक थैले में पैक। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए अब सुरक्षित करते हैं इस बेजुबान को एक थैले में पैक। तब तक के लिए आप लोग
वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सांप में इतनी देखिए, हम लाश चिरवाते फरवाते लेके और कहीं खजरी का पकड़े हैं। कौन लिया है बढ़िया से? तो काफी सरलता पूर्वक हमने इस कोबरा सांप को एक थैले में सुरक्षित पैक कर दिया। और चलिए, बहुत अच्छा लगता है ऐसे भिजवाने की जान बचाकर लोगों को लोगों की मदद करके। तो आप सभी से निवेदन है, हमारे इस काम को आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।